नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो आलिया थी, इसकी शादी हुई थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी से। 2010 का ये मामला है। 2011 में इनकी हो गई थी तलाक। अब ये बताते हैं कि 2012 में जब तलाक 2011 में हो गई, 2012 में मैं अपनी बच्ची के साथ बुढ़ाने आई, और आने के बाद ये उस टाइम ये लड़की 1 या 1.5 साल के करीब थी। तो ये बताया जाता है कि यानी भाई जो मानेजुद्दीन था, जो नवाजुद्दीन का छोटा भाई था, उसने जो है मेरी लड़की, जो आलिया कहती है कि मेरी लड़की जो है ऊपर ले गए कमरे में, और कमरे में ले जाने के बाद और उसने अपना लॉलीपॉप उसके मुंह में दे रखा था और वो उसे वीडियो दिखा रहा था। अब कहना है कि 1.5 साल की बच्ची वीडियो देख के देख नहीं सकती, 1.5 साल की बच्ची को वीडियो क्या पता कि यह सेक्स के बारे में क्या है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, जिस टाइम की घटना बताती है 2012 की, उस टाइम तो जिस जो पेज बता रहे हैं कि ऊपर बिल्डिंग बनी हुई थी, वो बिल्डिंग ही बनी हुई थी, वो बिल्डिंग ही 2013 में बनी है। तो इसके ये तथ्य भी गलत है। आज जो आई थी वो 164 के बयान के लिए कोर्ट में आई थी। अब ये तो रूटीन वर्क है इसका, इससे कुछ होता नहीं। इन्होंने बांद्रा में FIR दर्ज कराई थी, उसका केस मुजफ्फरनगर में ट्रांसफ़र हुआ है, क्योंकि केस बांद्रा में था, मुजफ्फरनगर ट्रांसफ़र हो गया। घटना क्योंकि बुढ़ाने की दर्शाई गई है, दोषी जब दर्शाई गई है तो इसी वजह से इसे यहाँ आना पड़ा। अच्छा, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था उसने? इसने अपनी सास ससुर, जो ससुर मर चुका है, इसे यही नहीं पता कि ससुर कब मरा। ससुर, सास, ससुर, अपने देवरानी, जिठानी और जेठ, सब कोई पूरे परिवार को ही पार्टी बनाया। तकरीबन ये 9 नाम हैं। अच्छा जी, ये एक तो इसमें मिनाजुद्दीन है, फैजुद्दीन है, आयुद्दीन है, श्रीमती मेहरुन्निसा हैं, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नवाबुद्दीन सिद्दीकी वगैरह, ये मुजरिम है। कौन जिनके नाम? ये तो इनके भाई हैं, सगे भाई हैं, सगी भाभी है, माँ है सगी। जिस तरह से मुंबई से केस मुजफ्फरनगर ट्रांसफर हुआ है, तो कितना इस पे फर्क पड़ेगा, किसके पक्ष में जाएगा ये? तो घटनाएं फाल्स है, क्योंकि एक बात हो रहा है, जब 2010 में शादी हुई, 2011 में ऑटोमेटिक तलाक हो गई, तलाक होने के बाद आप 2012 में आपने केस दर्ज कराया, 2012 के ऐसे एविडेंस ही नहीं जवाब यही है। जब 2011 में किसी लड़की का तलाक हो गया होगा तो 2012 में वो कैसे आ जाएगी, एक बात हो रहा है। दूसरी बात है, उसका तलाक का मुकदमा चल रहा, आपने तकरीबन 10 से आज आपने बताया कि मेरी लड़की था, उस टाइम पोस्को में कानून में हुआ था। भाई क्या पता इतने साल बाद आप साइलेंट क्यों बैठी रही? ये तो एक जो है मांड वाले का मामला है, इसने जो है 3-4 करोड़ रुपये की मांग कर रखी है इन परिवार से, और नहीं देने के तो आपके खिलाफ मैं फर्ज़ी मुकदमा दर्ज कराऊँ। ये फर्ज़ी मुकदमा का बयान है कि अगली तारीख क्या, अगली तारीख दी गई है? अभी तो 164 के बयान हुए हैं, अभी तो कोर्ट में मुकदमा थोड़ी चला है, अभी तो तफ्तीश के लिए जो है थाने में बयान हो गया ख़त्म, बस अब पुलिस अपनी तफ्तीश करेगी कि मामला घटना सही है गलत है। अभी वहाँ के लोगों से पूछा जाएगा ये मामला सारा।